मैं अपनी जो है गाड़ी करने लगा हूँ सेल आउट। पहली गाड़ी आके मैंने पार्क किया जी। आया था लेकिन मस्जिद में काफी ठंड है, इसी ऑन है फुल। काम शाम पहली वॉब है तो 1:30 बज गया, हम लोग आए थे 11 बजे। आज की जो अच्छी बात या एडवाइस अच्छी कह लो यही है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। I'll be the last one left when the lights go out. अभी जो है व्लॉग लेट आ रहे हैं हमारे, क्योंकि रमजान की वजह से व्लॉग शुरू इतने कोई खास बन नहीं रहे, तो इंशाल्लाह रमजान के बाद दोबारा से व्लॉग प्रॉपर आएंगे। तो अभी जो है हम सो के उठे हैं, थे थके हुए थे थोड़ा, तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी शरी वॉश करवाते हैं, जाके काफ़ी गंदी हुई है, सर्विस वगैरह करवाएंगे उसकी, ऑयल वगैरह चेंज करवाएंगे। तो चलते हैं सरदारों को दिखाते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारा क्या सीन बनता है क्या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। माशाल्लाह कभी आपने इतनी साफ गाड़ी देखी नहीं होगी, तो आज देख लें आप, माशाल्लाह से बहुत साफ है गाड़ी हमारी। तो अभी इसको और साफ करवाते हैं जाके। गाड़ी हमारी जो है वॉश हो रही है, बस अब हम वेट करेंगे, बस सोचे कि शुक्र है रश नहीं था, अपना रश काफी होता है यहाँ पे। पहली गाड़ी आके मैंने पार्क किया जी, भाई पीछे गाड़ी है, कोई लगेंगे 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट तक काम सब ओके हो जाना है। ठीक है फिर चलते हैं, वेट करते हैं बैठ के। आप हेलो अगेन जी, तो हमने जो है गाड़ी शहरी का काम शाम करवा लिया है, वॉश करवा लिया है, सर्विस वगैरह ऑयल शोल जो चेंज करवाना था करवा लिया है। अब हम जा रहे हैं क्याम अल-लैल के लिए, आज जुम्मा है, आज ताक रात है, तो ताक रात पे हम जाएंगे क्याम अल-लैल के लिए। मेरी जो सबसे मोस्ट फेवरेट कतर में जो मस्जिद है ना, सबसे बड़ी मस्जिद कतर में, वहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे जाके क्याम अल-लैल करते हैं, नमाज वगैरह पढ़ेंगे। ये ताक रात है तो जितनी आप इबादत कर सकते हो, ऊपर से आखिरी अशर है, आखिरी अशरे में तो जितनी आप कर सकते हो इबादत अल्लाह ताला की करें। तो बस अब हम वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके भी थोड़ा बहुत आपको दिखाता हूँ मस्जिद वगैरह, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब चलते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया है ऑलमोस्ट, तो बस चलते हैं। ओके ये हम पहुँच गए हैं मस्जिद में क़याम अल-लैल के लिए, ये है मस्जिद, बस हम जाएंगे अंदर। लेकिन मस्जिद में काफ़ी ठंड है, इसी ऑन है फुल, तो जुकाम शुकाम पहली वॉब है, तो मैं जा रहा हूँ गाड़ी में से जैकेट लेने, जैकेट ले आते हैं फिर एक ही बार अंदर आके आराम से जो है फिर शुरू करते हैं। जैकेट मैंने ले ली है, बस अब हम सुकून के साथ जाएंगे, जैकेट है, शुक्र है गाड़ी में थी जैकेट। बस अब हम सुकून से बैठेंगे अंदर क्या मोबाइल ताक रहते आज, तो हम लोग आज आए हैं यहाँ पे। यस जैकेट आ गया हाथ में। ويل للمغضوب عليهم ولا الضالين
बहुत ज़्यादा इधर ठीक है तो वेट करो ना, अच्छा थोड़ा कम होगा। लाइन लगी हुई इधर गेट पे, बहुत ज़्यादा रश है, तो निकलते हैं फिर घर को आहिस्ता आहिस्ता करके। मैं यहाँ से 1:30 बज गया, हम लोग आए थे 11 बजे, भजन सारी का भी टाइम हो गया। माशाल्लाह से रश बहुत ज़्यादा है यार, यह आखिरी अच्छा ना, यहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो बस सब सारी का भी टाइम हो ही जाना है तो घर जाते जाते। फाइनली जो है रश थोड़ा कम हो गया, यहाँ से हम जाएंगे बाहर निकलते हुए। मस्जिद देखें अब, माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है लेकिन फुल थी। आप रश चेक करें ज़रा बाहर। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है नमाज वगैरह पढ़ के कामल अल करके फ्री हो चुके हैं। अभी मैं आके गाड़ी में बैठा हूँ, बस वेट कर रहा हूँ, तो आते हैं जैसे ही तो उनको लेके फिर घर चलते हैं। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे करता हूँ एंड एक अच्छी बात के साथ। आज की जो अच्छी बात या एडवाइस अच्छी कह लो वो यही है कि यार जितना हो सकता है अपने आप में चेंज लाने की कोशिश करें, एक पॉजिटिव चेंज। मैं कहता हूँ आप जिस तरह के भी इंसान हैं ना, आपको थोड़ी दीन की समझ बूझ होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक्स आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। तो अपने आप को बेहतर करने के लिए, दीन की तरफ ले जाने के लिए ना कुछ करते रहा करो। डेली कोई ना कोई अहदीस आपने पढ़ ली, बस इंफॉर्मेशन आपको आती रहे डेली, कुछ ना कुछ ऐसा सीख लो। बाकी दुनिया में चीज़ें तो चलती रहती हैं साथ साथ, लेकिन इस्लाम की कोई एक बात डेली सीख लिया करो, समझ लिया करो उस चीज़ को, तो ही बहुत होता है, आप में एक पॉजिटिव चेंज आने लग जाता है। बस आज का व्लॉग करते हैं हम लोग एंड इसी बात के साथ। आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।